सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों हूँ छु डॉक्टर महेश दाफड़ा। मित्रों आज 470 आ व्याकरण वीडियो तमारी समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्यो छु। मित्रों हूँ अपेक्षा राखू छु के आप सबने आ वीडियो पसंद आवशे। मित्रों जो तमने आ वीडियो पसंद आवे तो चोक्कसपणे लाइक करशो, तमारा मित्रोंनी अंदर आ वीडियो वधुमां वधु शेर करशो। मित्रों फरी एक वार आप सबनु एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चैनल में आज स्वागत है। मित्रों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ यूट्यूब चैनल में अंग्रेजी व्याकरण अनेक प्रकरणों ने अपने समावी लीधा है। आप गमे त्यारे जोई शकशो, आप गमे त्यारे अभ्यास करी शकशो। मित्रों जो तमने आ व्याकरण वीडियो पसंद आता हो तो चोक्कसपणे लाइक करशो, शेर करशो। अने मित्रों हाँ, एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करी अने मने प्रोत्साहन पूरु पाड़वा आप सबने नम्र निवेदन छे। मित्रों हूँ अपेक्षा राखू आप एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करशो अने अपना मित्रों ने पण आ चैनल सब्सक्राइब करवानो जणावशो तो मने सविशेष आनंद थशे। चलो मित्रों आजनो अभ्यास शुरू करता पहेला एक सरस मजानो सुविचार हूँ आपनी समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्यो छुं। अने मित्रों आजनो सुविचार कंईक आवो छे। आजनो सुविचार छे मित्रों, मिले हुए समय को ये अच्छा बनाई अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। मित्रों बहुत सरस मजानो आजनो आ सुविचार, मिले हुए समय को अच्छा बनाए, मिले हुए समय को अच्छा बनाए अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जे ईश्वरे आपने जे समय आप्यो छे बस ए समयने ज आपणे सरस मजानो निभावी, ए समयने ज आपणे सरस रीते अनुभवीए। बाकी जो सारा समयनी राह जोईशुं तो कदाच आ जीवन आमनाम पूर्ण थई जशे। चलो मित्रों आजना आ सरस मजाना सुविचार बाद आपणे जे अभ्यास करी रह्या छीए मित्रों ये भणी रह्या छीए आपणे फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन आपणे जे अभ्यास करी रह्या छीए ए फ्रेज प्रेपोजिशन। मित्रों एवा केटलाय प्रेपोजिशन छे के क्यारेक कोई नामनी पाछळ, क्यारेक कोई विशेषणनी पाछळ के क्यारेक कोई क्रियापदनी पाछळ ए लागे छे। क्यारेक एवा प्रेपोजिशन छे क्यारेक नाम पाछळ, तो क्यारेक विशेषण पाछळ, तो क्यारेक पछी कोई क्रियापदनी पाछळ लागे छे। अने पछी एक समूह तैयार थाय छे जे समूहने आपणे शुं कहीए छीए, जेने आपणे फ्रेज प्रेपोजिशन तरीके ओळखीए छीए। क्यारेक कोई प्रेपोजिशन नामनी पाछळ होय, क्यारेक विशेषणनी पाछळ, क्यारेक कोई प्रेपोजिशन छे ए क्रियापदनी पाछळ होय छे। अने ए पछी एक सरસ મજાનું ફ્રેજ બને છે અને જેને આપણે ફ્રેજ પ્રેપોઝિશન તરીકે ઓળખીએ છીએ। મિત્રો આવા ફ્રેજ પ્રેપોઝિશન પૈકી આપણે સૌપ્રથમ એકોર્ડિંગ ટુ નો અભ્યાસ કર્યો, ત્યાર પછી આપણે બીકોઝ ઓફ એમનો અભ્યાસ કર્યો, ત્યાર પછી આપણે ઓવિંગ ટુ, ડ્યુ ટુ, ઓન બિહાફ ઓફ, ફોર ધ સેક ઓફ એનો આપણે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે। હાલ જે આપણે ભણી રહ્યા છીએ એ સાતમું ફ્રેજ પ્રેપોઝિશન ભણી રહ્યા છીએ અને એ મિત્રો છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ। આપણે જે અત્યારે ભણીએ છીએ એ ભણીએ છીએ ઇન્સ્ટેડ ઓફ, એનો અર્થ થશે ને બદલે, ને બદલે, ઇન્સ્ટેડ ઓફનો અર્થ થશે ને બદલે। મિત્રો ઇન્સ્ટેડ ઓફના વાક્યો આપણે ગઈકાલે પણ સમજાતા, ફરી એકવાર ફ્રેજ પ્રેપોઝિશન
कोई पण प्रबोधन क्यारेक नामनी पाछळ लागे छे, क्यारेक कोई विशेषणनी पाछळ लागे छे, क्यारेक कोई क्रियापदनी पाछळ लागे छे, जेने आपणे शुं कहीए छीए मित्रो फ्रेज प्रपोजिशन। एमां अत्यार सुधीमां आपणे 6 प्रपोजिशन पूरा कर्या छे। सातमुं प्रपोजिशन अत्यारे आपणे चलावी रह्या छे એ છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ, જેનો અર્થ થાય છે ને બદલે, બરાબર। હવે આપણે ઇન્સ્ટેડ ઓફને ચાલો વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો તમને સવિશેષ ખબર પડશે। દાખલા તરીકે આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો આમ કહી શકાય, વી શુડ ટ્રાય ટુ મેક ફ્રેન્ડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ એનિમીઝ। वी शुड ट्राई टू मेक फ्रेंड इंस्टेड ऑफ एनिमीज। वी शुड ट्राई टू फ्रेंड मेक फ्रेंड इंस्टेड ऑफ एनिमीज। मित्रों वी शुड ट्राई, अपने प्रयत्न करो जो मेक फ्रेंड मित्रों बनाओ, इंस्टेड ऑफ एनिमीज दुश्मनों ने बदले मित्रों बनावानी ट्राई करवी जो। इंस्टेड ऑफ एनिमीज दुश्मनों ने बदले वी शूड ट्राई टू मेक फ्रेंड मित्रों बनावानो प्रयत्न करवो जोईए। वी शूड ट्राई टू मेक फ्रेंड इंस्टेड ऑफ, अहीं तमे जोई शको छो इंस्टेड ऑफ एनिमीज दुश्मनोने बदले वी शूड ट्राई टू मेक फ्रेंड आपणे मित्रों बनावा जोईए। मित्रों तमने हवे इंस्टेड ऑफनो आ वाक्य प्रयोग तमने बराबर समझाई गयो हशे एवी हूँ अपेक्षा राखुं छूं। मित्रों फरी एक वार थोड़ो भणीए पण सारूँ भणीए सुव्यवस्थित भणीए। मित्रों एकनो एक वीडियो सतत जोवाथी तमने आ वस्तु ख्याल आवी जशे। मित्रों फरी एक वार एज्युकेशन टच नामनी आपणी आ यूट्यूब चेनलने सब्सक्राइब करी अने मने प्रोत्साहन पूरू पाडवा आप सर्वे नम्र निवेदन छे। मित्रों हूँ जे भणावु छूँ ए मारा ज्ञानी मर्यादाने अनुरूप भणावु छूँ। संभव छे कोई क्षति होय तो ચોક્કસપણે કોઈ સારા વ્યાકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ મિત્રો અવશ્ય કરજો, પરંતુ કોરોનાના આવા કપરા કાળમાં આપણે શું ઘરમાં રહીએ, સ્વચ્છ રહીએ, સ્વસ્થ રહીએ અને સતત અભ્યાસમાં રહીએ એવી પ્રાર્થના સાથે ભારત માતા કી જય।